नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास के 16वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। मैं आपको 16वें दिन की कथा सुनाऊँ उसके पहले आपको जानकारी देना चाहूँगी कि पुरुषोत्तम मास के अन्य दिन की कथा के वीडियोस मैंने अपने चैनल पर बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और कथा श्रवण कर सकते हैं। 16वें दिन की कथा में हम 16वें अध्याय के पाठ का श्रवण करते हैं। 16वें अध्याय के पाठ में हम सुदेव को पुत्र की प्राप्ति और एवं देवल मुनि द्वारा गुण दोष के वर्णन का वृत्तांत देखेंगे और सुनेंगे। मैं आपको 16वें दिन का पाठ बताऊं उसके पहले 15वें दिन हमने देखा कि सुदेव ब्राह्मण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से घोर तप करता है। तब भगवान श्री हरि गरुड़ पर बैठकर आते हैं, जिन्हें देखकर सुदेव ब्राह्मण शब्दों के द्वारा विभिन्न प्रकार से भगवान की स्तुति और आराधना करता है, जिससे भगवान श्री हरि खुश होकर उससे कहते हैं कि हे पुत्र, वर मांग लो। तो वो कहता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो एक पुत्र चाहिए, आप मुझे पुत्र दे दीजिए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि मैं तुम्हें इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं दे सकता, तुम्हारे भाग्य में पुत्र योग नहीं है। यह सुनकर सुदेव ब्राह्मण दुखी हो जाता है और वो शोकाकुल हो जाता है। उनको दुखी देखकर उनकी पत्नी गौतमी भी बहुत दुखी होती है और शोकाकुल हो जाती है। तब उनके दुख से द्रवित होकर गरुड़ जी भगवान श्री हरि से कहते हैं कि हे भगवान, आप तो भगवान हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आप क्यों नहीं इन ब्राह्मण ब्राह्मणियों की इच्छा पूरी करते हैं। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि आप इनकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो आप इन्हें क्यों नहीं पुत्र का वरदान दे देते हैं। तब गरुड़ जी प्रसन्न होकर सुदेव ब्राह्मण को पुत्र का वरदान देते हैं। ये सुन के श्री नारायण बोले, हे नारद जी, हे महाप्रज्ञ, वाल्मीकि जी ने दृढ़ धनवा से जो अत्यंत अद्भुत चरित्र कहा है वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। वाल्मीकि जी बोले, हे राजा दृढ़ धनवा, सुनो। भगवान की आज्ञा से गरुड़ जी इस प्रकार सुदेव ब्राह्मण से बोले, हे दिश्रेष्ठ, तुमसे हरि ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र सुख नहीं है, तो भी हे तपोधन, मैं स्वामी की आज्ञा से ही आपको पुत्र दे रहा हूँ, जो मेरे अंश से उत्पन्न होगा, जिससे गौतमी सहित आप आशीष को प्राप्त होंगे, परंतु उस पुत्र से आप दोनों को दुख भी उत्पन्न होगा। हे द्विशार्दुल, आप धन्य हैं, आपकी बुद्धि हरि में रमी हुई है, चाहे कामना सहित हो या कामना रहित, भगवान को तो अपने दोनों ही भक्त प्रिय हैं। मनुष्य का शरीर तो जल के बुलबुले के समान है, जो कि क्षणभंगुर है। ऐसे जीवन को पाकर जो पुरुष हरि चरणों को अपने हृदय में चिंतन करते हैं वे धन्य हैं। हरि के अतिरिक्त इस दुष्कर संसार को तारने वाला और कोई नहीं है। श्री हरि की कृपा से मैंने आपको पुत्र होने का वर दिया है। मन में श्री हरि का ध्यान करके सुखपूर्वक उत्तम विचारों को अपनाओ और उदासीन भाव से इस संसार के सुखों को भोगो। वाल्मीकि जी बोलते हैं कि दोनों स्त्री पुरुष को अत्युत्तम वर देकर उनके देखते ही देखते हरि भगवान गरुड़ पर सवार होकर शीघ्र अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुदेव जी भी स्त्री के साथ इच्छित वर पाकर अपने घर में जाकर और गृहस्थी के उत्तम सुख भोगने लगते हैं। कुछ समय बाद गौतमी गर्भवती होती है और 10 महीने का उनका गर्भ पूरा होने पर, प्रसूति काल आने पर, गौतमी के गर्भ से एक बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होता है। सुदेव ब्राह्मण तो अपने पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हो जाते होंगे। वे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार करवाते हैं तथा स्नान करके ब्राह्मणों को खूब दान देते होंगे। सुदेव ने अपने सारे कुटुंबजनों अन्य ब्राह्मणों से कहा कि मुझे यह पुत्र कपालु गरुड़ जी ने बड़े प्रेम से दिया है। यह शरद पूनम के चंद्रमा के समान कांति वाला है और सुखदेव जी के समान तेजस्वी है, इसलिए इसका प्रिय नाम सुखदेव होगा। पिता के मनोरथ के साथ साथ यह पुत्र माता के मन को भी आनंद देने वाला है। पुत्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा। पिता ने प्रसन्न होकर यज्ञोपवित्र संस्कार कर उसे गायत्री मंत्र दिया, फिर वेदारंभ असंस्कार कर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगा। ब्रह्मचर्य के तेज से वो बालक साक्षात सूर्य के समान शोभित हो गया। बुद्धि का सागर वो उस कुमार ने वेद अध्ययन जब शुरू किया तो गुरु जी ने अपनी कुशाग्र बुद्धि से गुरु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने जो भी पाठ पढ़ाया वह सब एक ही बार में उसने कंठस्थ याद कर लिया। वाल्मीकि जी बोले,
कि एक दिन करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले देवल मुनि वहां पे पधारे। उनको देख के सुदेव ने हर्ष से उनको नमस्कार किया और विधि पूर्वक उनके अर्धय दे के चरण पखार के उनका पूजन करके उनके लिए आसन बिछाया। भगवान देवल उस आसन पर बैठ गए और अपने चरणों में पड़े हुए कुमार को देखकर देवल मुनि बोले, अरे सुदेव, तुम पर तो हरि भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। तुम तो धन्य हो जिससे तुमको इतना दुर्लभ श्रेष्ठ सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ है। ऐसा विनम्र बुद्धिमान बोलने में चतुर वेदाध्ययन करने वाला पुत्र तो यहाँ कहीं भी किसी के पास नहीं है। हे वत्स, यहाँ आओ, तुम्हारे हाथ में यह क्या कौतुक देख रहा हूँ। वे उस बालक का हाथ देखते हैं, उसमें सुंदर छत्र, दो चंवर यव रेखा के साथ, कमल चिन्ह, घुटनों तक हाथ की सूंड की समान दोनों हाथ कानों तक फैले हुए, दोनों विशाल लाल नेत्र, गोल शरीर, पेट पे तिवली की रेखा शोभित। ऐसे पुत्र को देख के मुनि आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उत्कंठित होकर ब्राह्मण से बोलते हैं कि हे सुदेव, तेरा ये पुत्र तो गुणों का सागर है। इसके गले की हंसली मांस में छुपी हुई है, शंख के समान इसके कंठ है, चिकने घुंघराले बाल है, चौड़ी छाती है, मोटी गर्दन है, दोनों कान एक जैसे हैं, बेल के समान मजबूत कंधे हैं। सब सुलक्षण से संपन्न तुम्हारा ये पुत्र तो बहुत ही सौभाग्यशाली है। पर फिर उसके बाद एक लंबी सांस लेकर सिर हिलाते हुए मुनि कहते हैंगे कि इन सब गुणों के बाद भी इसके साथ एक महादोष जुड़ा हुआ है जिससे इसके सारे गुण व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि यह आयुहीन है। इस आयुहीन के लक्षण, इतने सारे लक्षण होने से कोई फायदा नहीं है। हे सुदेव, तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष की आयु में जल में डूब के मर जाएगा। तुम इसका मन में सोच न करना, क्योंकि होने वाला तो अवश्य होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसका कोई इलाज भी नहीं है। जैसे मरने वाले को यदि हम औषधि देते हैं तो वो व्यर्थ जाती है, उसका कोई असर नहीं होता है। वाल्मीकि जी बोलते हैं कि देवल मुनि तो ऐसा कहके वापस ब्रह्मलोक को चले जाते हैं, पर सुदेव ब्राह्मण और गौतमी दोनों पछाड़ खा के पृथ्वी पे गिर पड़ते हैंगे। देवल मुनि के वचन का स्मरण करते हुए दोनों बहुत काल तक दुखी रहते हैंगे। फिर गौतमी धीरज भरतीगी और पुत्र को गोदी में लेके उस प्रेम से उसके मुख को चूमते हुए पति से बोलतीगी कि हे द्विजराज, होने वाली घटना से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो होने वाला है वो तो होगा ही होगा और जो नहीं होने वाला है वो कभी भी नहीं होगा। राजा नल, रामचंद्र जी, पांडु पुत्र युधिष्ठिर, इन लोगों ने क्या दुख नहीं उठाए? राजा बलि को भी बंधन में बांधा गया। यादवों के तो कृष्ण के कुल के होने के बाद भी उनका सबका नाश हो गया था। हिरण्याक्ष मारा गया, भयंकर वृत्तासुर भी नष्ट हो गया, सहस्त्रार्जुन, कार्तवीर्य और रावण के भी सिर काटे गए। तो हे मुने, रघुनाथ जी को भी जानकी के विरह का दुख हुआ था। तो हे मुनिवर, राजा परीक्षित भी ब्राह्मण के श्राप से मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो जब ऐसा होना है तो वो तो होगा ही होगा। अतः हे नाथ, उठो और शरणागत होकर जीवों के रक्षक और निर्वाण देने वाले सनातन हरि का की आराधना करो, उनको भजो। वाल्मीकि जी बोलते हैं कि इस प्रकार सुदेव ब्राह्मण अपनी स्त्री के वचन सुन के सतोगुण प्राप्त कर हृदय में हरि के चरण कमलों का ध्यान कर पुत्र से उत्पन्न दुख से छूट जाता है। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा 16वां अध्याय समाप्त। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्यौहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।